नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गैलेक्सी। मैं हूं आपका दोस्त आसिफ सिद्दीकी। देश और दुनिया से पहले चलिए हम आपको एक अच्छी खबर देते हैं। प्रदेश सरकार ने 9वीं और 11वीं के बच्चों के लिए जनरल प्रमोशन की घोषणा की है। बात करें देश और दुनिया की, तो दुनिया भर में अब तक 44,70,000 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 16,79,000 लोग अब तक इससे रिकवर हुए हैं। 2,99,000 लोगों की अब तक मौत हुई है। देश में अब तक 78,000 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 26,235 संक्रमित रिकवर हुए हैं। 2,549 संक्रमितों की अब तक मौत हुई है। बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में अब तक 4,173 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। 232 संक्रमितों की अब तक मौत हुई है। निमाड़ में 314 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। 139 अब तक रिकवर हुए हैं। 25 लोगों की अब तक मौत हुई है। बात करें खंडवा की, तो खंडवा में अब तक 81 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। 38 रिकवर हुए हैं। 8 लोगों की अब तक मौत हुई है। बुरहानपुर में 110 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। 13 रिकवर हुए हैं। 9 लोगों की अब तक मौत हुई है। खरगोन में 97 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। 62 संक्रमित अब तक रिकवर हुए हैं। 8 संक्रमितों की अब तक मौत हुई है। बड़वानी में 26 लोग कोरोना से संक्रमित हुए। 26 के 26 संक्रमित रिकवर भी हो गए हैं। यहां पर मरने वालों का कोई आंकड़ा नहीं है। आज से खंडवा में एक नया इलाका कंटेनमेंट के रूप में अस्तित्व में आया। पंधाना रोड स्थित गुलमोहर कॉलोनी निवासी एक व्यक्ति के पॉजिटिव पाए जाने के बाद प्रशासन ने इस इलाके को कंटेनमेंट एरिया बना दिया है। कलेक्टर तन्वी सुंदरियाल ने इस आशय से आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश के अनुसार गुलमोहर कॉलोनी को ईपी सेंटर मानते हुए इस क्षेत्र के सभी घरों का सर्वे कराया जाएगा। गुलमोहर कॉलोनी से लगे हुए क्षेत्र पंधाना रोड, पुरानी अनाज मंडी के सामने, सलूजा कॉलोनी, मालगोदाम रेलवे लाइन, आयशा मस्जिद तक अतिरिक्त क्षेत्र को बफर जोन घोषित किया गया है। कंटेनमेंट क्षेत्र के सर्विलांस के लिए अधिकारियों का दल गठित किया गया है। इस क्षेत्र में कर्फ्यू के आदेश का पालन सख्ती से कराया जाएगा। बुरहानपुर में 48 घंटों में तैयार हुआ 150 बिस्तरों का नया अस्पताल। बुरहानपुर जिला प्रशासन ने कोविड-19 से लड़ने की पुख्ता तैयारी कर ली है। कलेक्टर प्रवीण सिंह ने बताया, जिला मुख्यालय पर मात्र 48 घंटों में बहादुरपुर स्थित डाइट छात्रावास में 150 बेड का अत्याधुनिक सेवाओं से युक्त जिले का दूसरा कोविड केयर सेंटर तैयार कर लिया गया है। बुरहानपुर में जारी कर्फ्यू को 17 मई तक बढ़ा दिया गया है। कलेक्टर ने कहा कि प्रशासन अपनी पूरी तैयारी के साथ है, परंतु वे ये नहीं चाहता कि जिले में कोई भी नागरिक कोरोना से संक्रमित होकर इस कोविड केयर सेंटर में आए। इसलिए आपस में सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, होम आइसोलेशन का कड़ाई से पालन करें, सैनिटाइजर का उपयोग करें, घर से बाहर न निकले। बताते चलें, बुरहानपुर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 110 हो। खरगोन में 2 लोग पॉजिटिव हुए तो 8 पॉजिटिव रिकवर होकर घर पहुंचे। खरगोन में पिछले 24 घंटे में 7 व्यक्तियों की नेगेटिव रिपोर्ट आई है, जिनको मिलाकर अब तक कुल 996 नेगेटिव रिपोर्ट आ चुकी है। जबकि 2 नए मरीजों के साथ कोरोना से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 97 हो गई है। वहीं 108 सैंपल की रिपोर्ट अभी आना बाकी है। जांच के लिए 29 नए सैंपल भेजे गए हैं। इस तरह अब तक 1,254 सैंपल लिए जा चुके हैं। अच्छी खबर यह है कि जिले में अब तक 62 संक्रमित स्वस्थ भी हो चुके हैं। गुरुवार को 8 मरीज स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज कर दिए गए हैं। जिले में अब तक 8 मरीजों की मौत हो चुकी है तथा 27 मरीज स्थिर हैं। बड़वानी में 0 हुआ एक्टिव मरीजों का आंकड़ा। बड़वानी जिले में कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए सभी 26 लोग इलाज के बाद ठीक होकर अपने घर पहुंच गए हैं। कलेक्टर अमित तोमर ने कहा, हम इस स्थिति को आगे भी बनाए रखेंगे। उन्होंने जिले वासियों से अपील की है कि आप लॉकडाउन एवं सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन जरूर करें। वहीं बड़वानी की बड़ी विजयसन के माध्यम से महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश जाने वाले श्रमिकों को निःशुल्क बस व्यवस्था के साथ भोजन भी उपलब्ध कराया जा रहा है। कलेक्टर अमित तोमर एवं पुलिस अधीक्षक DR तेनीवार ने बड़ी विजयसन पहुंचकर महाराष्ट्र से आ रहे
उत्तर प्रदेश के लोगों को अपने सामने बसों के माध्यम से देवास भिजवाया। बड़वानी में कल एक और पेशेंट की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, इस तरह से हमारा लास्ट पेशेंट भी कल डिस्चार्ज हो गया है। अब हमारे यहाँ कोई भी एक्टिव पेशेंट नहीं है, 26 पेशेंट्स हमारे थे, सारे स्वस्थ को डिस्चार्ज हो चुके हैं। मेरा ये मानना है कि अभी एक पड़ाव मात्र है, आगे भी हम लोग लगातार सैंपलिंग कर रहे हैं और आगे भी सैंपलिंग करते रहेंगे। तफरी करने के लिए सड़कों पर निकले 82 लोगों के वाहन जब्त। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जिले में लॉकडाउन जारी है। पुलिस और प्रशासन के लाख हिदायतों और बुधवार को निकाले गए फ्लैग मार्च के बाद भी लोगों का सड़कों पर निकलना बदस्तूर जारी है। ऐसे लोगों के विरुद्ध पुलिस द्वारा लगातार चालानी कार्रवाई की जा रही है। गुरुवार को भी रेलवे स्टेशन से लेकर नगर निगम चौराहे तक जमकर धरपकड़ की गई। SP डॉक्टर शिवदयाल सिंह ने बताया, अब तक लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले 1721 वाहन चालकों के चालान बनाए जा चुके हैं। कुल 82 वाहन जब्त किए गए हैं तथा चालान के रूप में अब तक 4,92,000 रुपये चालकों से वसूल भी किए गए हैं। भीषण त्रासदी के बीच भी जारी, हमारी लापरवाहियां पड़ेगी भारी। आज पूरी दुनिया सहित देश और खंडवा कोरोना वायरस के चपेट में है, लेकिन हम हैं कि चेत नहीं रहे हैं। खंडवा में लगातार मेडिकल वेस्ट इधर उधर फेंके जाने की घटनाएं सामने आ रही है। ताज़ा मामला बड़ाबम क्षेत्र में मटरूमल पार्क के पास का है। यहाँ किसी ने मेडिकल वेस्ट फेंका जिसमें ग्लव्स सहित अन्य मेडिकल वेस्ट शामिल थे। इससे 4 दिन पहले भी सिंधी कॉलोनी में मेडिकल वेस्ट फेंके जाने का मामला सामने आया था। स्थानीय लोगों ने निगम अधिकारियों को जानकारी दी थी कि ये वेस्ट कोई बाहरी व्यक्ति यहां आकर फेंक कर गया है। इस पर निगम अफसरों ने स्थानीय लोगों को जिम्मेदारी दी थी कि ऐसे मामलों में तुरंत एक्शन लें और हमें जानकारी दें। करीब 10 दिन पहले एक विक्षिप्त महिला यूज़ किया हुआ PPE किट पहनकर पूरे शहर में घूमती रही। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे मामलों में खुद सजग हों और हमारी हिफाजत में लगे निगम अमले की मदद करें। बैकवाटर में मिली एक अज्ञात व्यक्ति की लाश, पुलिस जुटी शिनाख्ती में। जिले के ग्राम चिकटी खाल में गुरुवार सुबह इंदिरा सागर बांध के बैकवाटर के पास अनजाने व्यक्ति की लाश ग्रामीणों ने देखी। इस बात की सूचना ग्राम कोटवार ने मुधी पुलिस को दी। थाना प्रभारी अंतिम पवार मौके पर पहुंचे और पंचनामा के बाद लाश बरामद की। लाश को शव परीक्षण के लिए भेजा गया है। पुलिस लाश की शिनाख्ती में जुटी हुई है। जावर में पूरे गांव को किया सैनिटाइज, जागरूक होने लगे हैं ग्रामीण भी। खंडवा जिले में बढ़ते कोरोना वायरस के दायरे के बाद ग्रामीण इलाकों में एहतियात बरतना शुरू कर दिया गया है। बाहरी व्यक्तियों को गांव में आने से रोकने के साथ ही जावर में सैनिटाइजर के छिड़काव का काम भी जारी है। ग्राम पंचायत द्वारा कराए जा रहे इस काम की पंचायत सचिव देवराज सिंह सिसोदिया, सरपंच लीलाबाई भगवानवाणी, उप सरपंच मदन तंवर निगरानी कर रहे हैं। ग्राम पंचायत के कर्मचारियों द्वारा पूरे गांव में सैनिटाइजर का छिड़काव किया जा रहा है। शिक्षक के कहने पर राशन लेने पहुंचे बच्चे, घंटों खड़े रहे धूप में। खंडवा विधानसभा के आखिरी गांव ग्राम सहेजला में मिडिल स्कूल में शिक्षकों ने बच्चों को जानकारी दी कि राशन दुकान से अनाज दिया जा रहा है। इस सूचना के बाद छोटे छोटे बच्चे कंट्रोल दुकान पर मध्याह्न भोजन का अनाज लेने पहुंच गए, लेकिन जवाबदार शिक्षक के नहीं पहुंचने पर घंटों धूप में खड़े रहे। ग्रामीणों ने बच्चों को जब धूप में परेशान होते देखा तो उन्होंने सेल्समैन से जवाब तलब किया। इस पर सेल्समैन ने शिक्षक से बात की तो शिक्षक ने कल अनाज बांटने की बात कहकर बच्चों को घर लौटाने की सलाह दे दी। अंततः 2 घंटे परेशान होने के बाद बच्चे निराश अपने घर पहुंचे। वायरल वीडियो में देखिए ये नन्ही सी गुड़िया क्या कह रही है।
देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए, मुझे दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए न्यूज़ गैलेक्सी। नमस्कार, शब्बा खैर, शुभ रात्रि।